नमस्कार, मैं प्रियांक सौरभ और आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। दोस्तों, बिहारी न्यूज ने एक नया सेगमेंट शुरू किया है और अपने इस नए सेगमेंट के माध्यम से बिहारी जायका, जिसको नाम हमने दिया है, और इस बिहारी जायका के माध्यम से हम बिहार की राजधानी पटना में विभिन्न रेस्टोरेंट होटलों का हम भ्रमण करेंगे और उसके जायका के बारे में हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम खड़े हैं मछुआ टोली में बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही पुरानी, 42 साल पुरानी डेजी स्वीट्स के सामने। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, डेजी स्वीट्स जो 42 साल पुराने और इस जगह का एक लैंडमार्क बन के रह गया है और आज हर एक लोग यहाँ पर अपना जायका को टेस्ट करने के लिए आते हैं और इसकी खासियत को जानते हैं और इसका स्वाद लेते हैं। तो आखिर ये बिहारी न्यूज जो जायका न्यूज जायका के लिए यहाँ पे पहुँचा है, तो हम इसके माध्यम से आपको बताएंगे कि ये आखिर डेजी स्वीट्स में इसमें क्या खासियत है जो इतने दिनों से इसने एक अलग पहचान बना लिया है। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं कि डेजी स्वीट्स को आप देख सकते हैं चारों तरफ से, यहाँ पे कस्टमर अक्सर भरे रहते हैं और इसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ये जायका यहाँ का कैसा है। और बिहारी जायका के पहले एपिसोड में आपका स्वागत। मैं फिर से करता हूँ और चलता हूँ, आपको डेजी स्वीट्स के ऑनर से मैं बात करता हूँ और इसके बारे में उनसे विशेष वार्तालाप हम लोग करेंगे। तो जैसा कि आप मेरे साथ आ सकते हैं, आप देख रहे हैं कि डेजी स्वीट्स में हम एंट्री कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर। नमस्कार, हम देख रहे हैं कि डेजी स्वीट्स के ऑनर सर, अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम जसवंत सिंह है, मैं 76 साल का ओल्ड यंग मैन हूं जी, और इस बिजनेस में आज 45 साल से मैं जुड़ा हुआ हूं। पहले हमारी साझेदारी में परिवार के अंदर और भी ब्रांच थे, लेकिन अब जब बच्चे बड़े हुए तो अब ये सिमट कर ये डेजी स्वीट्स कॉर्नर मेरा पर्सनल ये कारोबार है। हमारा बेटा बलजीत सिंह और हमारा भतीजा सर्वजीत इसको मैनेज करते हैं और आज बच्चों की मेहनत इतनी रंग लाई है कि जो हम 40 सालों में नहीं कर सके, हमारे बच्चे आज 5 सालों में ऐसा कर रहे हैं कि ये बिजनेस हमारा एक ब्रांड बन गया है। सर, 42 साल के, या आपने बताया 45 साल के, जो भी हो, आपने इतने लंबे वर्षों का जो अनुभव प्राप्त किया, थोड़ा सा अनुभव हमारे साथ साझा करें। अनुभव ये जो व्यापार है ये बड़े ही अजीब तरह का व्यापार है। इसमें परिश्रम की बहुत आवश्यकता होती है, मैन पावर की बहुत आवश्यकता होती है, सहनशीलता की बहुत आवश्यकता होती है। जो इधर बैठे होते हैं वो जीरो होते हैं, आने वाले सभी लोग हीरो होते हैं। इतने सालों का खट्टा मीठा अनुभव जो मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, उसमें मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही ईमानदारी और ऑनेस्टी का बिजनेस है। यह इसमें कई लोगों ने इनको बदनाम भी कर दिया है, मिलावट करके या गलत इसका इस्तेमाल करके, लेकिन हमने बड़ी ईमानदारी से अपने वाहेगुरु को हाजिर नाजिर जानकर आज इस मुकाम पर हम पहुँचे हैं कि आज हम पर लोग आँख मूंद कर विश्वास करते हैं। और आप देख रहे हैं, हमेशा यहाँ पर ग्राहक का आना जाना पूर्ण विश्वास के साथ लगा रहता है। अब इस समय दिवाली का समय आ रहा है, हम उस तरह से इसकी तैयारी कर रहे हैं, ड्राई फ्रूट, हमारे तरह तरह के नए मिठाइयों का इस समय आगमन होता है बिजनेस में, क्योंकि लोग चाहते हैं कि एक नई चीज़ को हम इस्तेमाल करें। रेट भी हमने बहुत रिजनेबल रखा है और आप माने कि आज हमने इस 42 साल के अंदर में अपने बिजनेस को इस मुकाम पर पहुंचाया है कि किसी से परिचय करने की ज़रूरत नहीं है। डेजी स्वीट अपने आप में एक बहुत बड़ा परिचय है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि डेजी स्वीट्स अपने आप में बहुत बड़ा परिचय है, तो हम इनके जो मतलब कह सकते हैं, ये तो बहुत ही उम्रदराज हो गए और कह सकते हैं कि उन्होंने पहले बोले कि यंग ओल्ड मैन हूँ, तो साथ साथ उनके साथ एक और भी यंग मैन है जो इनको संभालने वाले हैं और इस कम कह सकते हैं कि जो डेजी स्वीट्स के ऑनर, जूनियर ऑनर हम कह सकते हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि 42 वर्षों का जो अनुभव उन्होंने, जो अंकल ने साझा किया, सर ने साझा किया,
तो आपको कैसा लगता है कि क्या आप इनके अनुभव के आधार पर इस दुकान को आगे बढ़ा पाएंगे, इनका और जो एक नाम कमा पाया है, जो एक लैंडमार्क हो गया है मछुआ टोली का, तो क्या आप उस आधार पर इसको किस हिसाब से लेके आगे बढ़ेंगे? और जो आज सबसे बड़ी जो समस्या, जैसा कि हम लोगों ने अभी चर्चा किया, शुद्धता का पैमाना, जैसा कि अभी वर्तमान में फेस्टिवल का समय चल रहा है तो शुद्धता को लेकर बहुत ज़्यादा बहुत सारी खबरें भी आती हैं, तो इसको आप कैसे लेके चलेंगे? हम तो हमेशा इनके कहने पे ही चलते हैं, हमारे अंकल जी हैं, तो ये इनका हमेशा यही कहना था कि हमेशा शुद्धता पे ही सारा ध्यान दो। हम इनके विचार पे ही हमेशा चलते हैं कि कस्टमर को कभी गलत सामान ना जाए, हमेशा इन अच्छा सामान जाए, इसलिए कस्टमर ताकि ये सेटिस्फाइड हो, हमेशा हमारे तरफ हमेशा आकर्षित हो कि यहाँ पे अच्छी सामान मिलती है। इनके 40 सालों का अनुभव हमें बहुत काम दे रहा है इनका, इसलिए वही अनुभव लेके हम भी चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं इनके अनुभव के साथ। कस्टमर हमारे अच्छे और बढ़ते जा रहे हैं और हमें पसंद कर रहे हैं। एक डेयरी स्वीट को बहुत लोकप्रिय पसंद कर रहे हैं, ये पूरे बिहार में एक ब्रांड बन चुका है हमारे, जैसे कि हमारे केक को लोग बहुत पसंद करते हैं, पूरे बिहार से लोग आते हैं यहाँ पे केक लेने आते हैं। बहुत सारे समोसा, हमारा समोसा बहुत फेमस है, हमारा कचौड़ी यहाँ बहुत फेमस है, तो लोग हमें बहुत पसंद कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि देजी स्वीट्स का केक और समोसा बहुत ही फेमस है, तो सर केक का तो इधर आकर कुछ ज़्यादा चलन चल हो गया है, लेकिन एक समय था कि जब लोग केक काटना हमारी संस्कृति के खिलाफ समझते थे, मतलब जैसे एक पुरानी रीति रिवाजों के अनुसार, उस समय में आपकी क्या पहचान थी, मतलब किस माध्यम से, किस चीज़ की स्पेशलिटी को लेकर आप आगे बढ़े? किया था तो हम चाट के बहुत फेमस थे, हम यहाँ चाट बेचा करते थे, हमारी चाट इतनी मशहूर थी कि लोग कहाँ कहाँ से चाट खाने के लिए हमारे पास आते थे, साथ में सिंगाड़ा कचौड़ी पेटीज ये हमारा एक्स्ट्रा उसका आइटम रहता था। लेकिन चाट के मामले में डेजी स्वीट एक अपने समय में बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बिजनेस माना जाता था और लोग बहुत ही स्वाद के साथ यहाँ पर आते थे चाट खाने के लिए। लेकिन जब समय का परिवर्तन हुआ, जगह का अभाव हुआ, यहाँ पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम हुई, तो हमने अपना विचार बदल दिया, हमने उससे ज़्यादा अपने मिठाई को और अपने केक को प्रायोरिटी दिया। हमारे जो केक के हैं वो हम बता उनको बुलाते हैं, उनको बुलाइए। ये हमारे केक तो जैसा कि देख रहे हैं, इन्होंने कहा कि केक के कारीगर से उनसे हम लोग बात करते हैं। आखिर जो केक के स्पेशलिस्ट के तौर पे जाने जाते हैं डेजी स्वीट्स, जो पटना शहर की आन बान शान कही जा सकती है, तो आखिर उस पटना शहर के केक की जिम्मेदारी एक यंग निभा रहे हैं, तो उनसे हम बातचीत करेंगे। जी आपका नाम? जी मेरा नाम श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार हैं जी। तो कैसा अनुभव रहा आपका, मतलब डेजी स्वीट्स में आप केक का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, एक वैसे स्वीट्स जहाँ पे, एक वैसे डेजी स्वीट्स जिसका एक अलग नाम है पटना शहर में, उसकी एक अलग पहचान है, तो इसके बारे में आप बताएं, डेजी स्वीट्स के बारे में आप अपने? डेजी स्वीट्स तो नाम से ही जाना जाता है, और अभी जब बंट गए हैं, अलग हो गए हैं, तो उससे और ज़्यादा नाम इसका ऊँचा हो गया है। फिलहाल तो केक का जो है सभी वैरायटी यहाँ पे मिलते हैं, चॉकलेट में आपको 15 से 20 वैरायटी मिलेंगे, वनीला, बटर स्कॉच, पाइनएप्पल सारे वैरायटी मिलेंगे, और जो भी डिज़ाइन चाहिए वो सारे मिलेंगे आपको यहाँ पे अवेलेबल। और क्या क्या खासियत है केक के अलावा डेजी स्वीट्स की, क्या खासियत है और क्या स्पेशल डिश के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं? समोसा के अलावा भी बहुत सारे लोग पहुँचते होंगे। मिठाइयाँ हैं, गोंद का लड्डू है हमारे यहाँ, कराची हलवा बनाए, गुजिया है, पंजाबी पिन्नी बनती है यहाँ पे, बहुत सारी ऐसी वैरायटियाँ, छेना के आइटम में आपका मलाई चमचम है, छेना रोल है, ये लोग बहुत पसंद करते हैं यहाँ पे। और ये आप ये खोए की बर्फ़ी हो गई, डोडा की बर्फ़ी हो गई, ये सब बहुत यहाँ पसंद करते हैं हमारे यहाँ लोग। तो जैसा कि आप देख रहे थे, अभी डेजी स्वीट्स के ऑनर हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने डेजी स्वीट्स की खासियत के बारे में बताया, यहाँ की स्पेशलिटी के बारे में बताई, और जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के केक, यहाँ के समोसा और यहाँ की बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसके लिए लोग यहाँ तक पहुँचते हैं और भीड़ होते हैं। तो दर्शक, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग ग्राहक भी हैं, तो थोड़ा सा हम इनसे बात करेंगे। जी आप यहाँ क्या लेने आए? हम मिठाई लेने आए हैं जी। तो मतलब डेजी स्वीट्स का क्या फीडबैक है आपका? मतलब बहुत ही अच्छा है, हम लोग हमेशा यहाँ से लेते हैं, जब भी कोई भी चीज़ लेना होता है, मिठाई वगैरह, पर्व वगैरह होता है, तो यहीं से ले जाते हैं। कहाँ से आए हैं अभी? हम यहाँ सब्जी बाग से रहते हैं। सब्जी बाग से? जी हाँ, हम साथ में।
तो मतलब मिठाई को लेकर जैसे कि आजकल पर्व को लेकर आता है एक समस्या होती है कि भाई शुद्धता को लेकर बहुत सारी खबरें आती हैं कि डुप्लीकेट मिठाई पकड़ा गया, और तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि दर्शकों जो यहाँ उपभोक्ता आते हैं उन्होंने भी कहा कि शुद्धता को लेकर किसी भी तरह की समस्या यहाँ पे नहीं होती है। आपको मैं दिखाता हूँ कि डीजी स्वीट्स के जो केक कलेक्शंस भी आप देख सकते हैं। तो अभी और भी लोगों से हम बात करते हैं डीजी स्वीट्स में। आप लोग जी यहाँ पे कारीगर हैं? नहीं सर, हम लोग सेल्समैन जी। तो मतलब कैसा अनुभव रहा है डीजी स्वीट्स में? देखिए कि सेल्समैन जो होते हैं जो ग्राहकों से सीधा संपर्क उनका ही होता है जी, जी। तो ग्राहकों का फीडबैक आपके प्रति आता होगा, कैसा होता है? बहुत अच्छा अच्छा आता है जी, बहुत। तो मतलब फेस्टिवल का मौसम है, फेस्टिवल आने वाले हैं, दीपावली उसके बाद छठ, जिसमें बहुत तरह की मिठाइयों की मांग होगी। तो इसमें मतलब शुद्धता की जो बात होती है सबसे ज़्यादा, मैं शुद्धता पर विशेष ध्यान देने की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम जायका को लेकर चल रहे हैं, बिहारी जायका को लेकर चल रहे हैं, और बिहारी जायका में हम शुद्धता को विशेष ध्यान देने वाले हैं क्योंकि आज जो मिलावट का दौर चल रहा है उस मिलावट के दौर से हटकर हम शुद्ध मिठाइयों का या शुद्ध जायका का हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुद्धता को लेकर क्या लोगों का प्रतिक्रिया होती है? सर हमारे यहाँ शुद्धता के ही लेके और सफाई के लिए लेकर आते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ही यहाँ पर सफाई और शुद्धता को लेके। तो जैसा कि आप देख रहे थे हमारे साथ, हम पहुँचे हुए हैं अभी मछुआ टोली के डीजी स्वीट्स में, और हमारे साथ डीजी स्वीट्स के बहुत सारे कह सकते हैं कर्मचारी हैं, सेल्समैन हैं, और इधर सामने उपभोक्ता भी मौजूद हैं जो ग्राहक के रूप में यहाँ पे आए हैं, और मतलब वो सामान मिठाइयाँ खरीदने के लिए यहाँ आए हैं। तो अब जैसा कि सर, तो अभी जो फेस्टिवल आ रहा है तो फेस्टिवल को लेके आप ग्राहकों में मिठाइयों के प्रति क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आजकल वो शुद्धता की बात हम लोग लगातार कर रहे हैं, तो शुद्धता को लेकर जैसे कि मान लीजिए कोई आप पटना शहर के हैं और पटना शहर में मतलब कि लोग यहाँ पे आते हैं तो वो आप शुद्धता को लेकर आपके यहाँ आते हैं, तो फिर उसकी मतलब कैसे पहचान करें जो दूर के लोग हैं जो आप तक नहीं पहुँचे? एक तो सबसे बड़ी पहचान होती है कि जो हमारे पास नियंत्रण बराबर लेने आ रहे हैं उनको स्वाद से फील हो जाता है ये मिठाई शुद्ध है या अशुद्ध है, अच्छी है या ख़राब है। रेट के मामले में भी लोगों को आइडिया हो जाता है। यहाँ बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो ब्रांडेड मानी जाती हैं लेकिन उन लोग के अनुपात में रेट हमारा कम है, क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये मिडिल मार्केट के कारण हमको ऐसा करना पड़ता है कि हमारे जो यहाँ के रहने वाले ग्राहक हैं वो हमें अवेल करें और कम कीमत में अच्छी चीज़ प्राप्त करें। आज हमारे पास देखिए ये 200 पैकेट एक कस्टमर के लिए बन रहा है, आप देख रहे हैं जो पैकेट हमारे कर्मचारी नियंत्रण एक घंटे से बना रहे हैं। ये सारी जगह घूमने के बाद इनको हमने एक पैकेट बना कर दिया था जो ये पास हुआ। इतना बढ़िया उन्होंने इतनी तारीफ़ की हमारी कि 200 पैकेट का ऑर्डर दिया जो अभी लेने के समय उनका 7 बजे का है जो आपके सामने बन रहा है। और मैं अपने आप में इस पटने का बहुत पुराना आदमी हूं और मैं यहां एक अंतर ज्योति विद्यालय है कुम्हराड़ में, वहां का मैं ट्रेजरर हूं। आज कई सालों से वहां मैं जुड़ा हूं। अंधी जो बच्चियाँ हैं वो मुझे पापा की नज़र से देखती हैं और यहाँ पंजाब बिरादरी जो है उसका मैं PRO हूँ। यहाँ गुरुद्वारा है एक नया टोला, इसका मैं एक एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। इस तरह से कई संस्थाओं से जुड़ा हूँ और मेरे मन में एक ही भावना होती है कि ईश्वर तो देखता है जी, बिल्कुल, मनुष्य देखे या ना देखे ईश्वर से डरना ही मेरी तरक्की का सबसे बड़ा कारण है। और आज जो मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ ये सबसे बड़ा मेरे वाहेगुरु की कृपा है, और मैं बेधड़क ये दावे के साथ वचन दे सकता हूँ कि न किया है न कोई इस तरह के गलत काम करेंगे जिससे कि आने वाले समय में हमको संकट का सामना करना पड़े। सर हमारे नए सेगमेंट बिहारी न्यूज का जो एक नया कार्यक्रम हमने शुरू किया, आज आपकी दुकान से मैंने शुरू किया है बिहारी जायका, तो बिहारी जायका के लिए हमारे दर्शकों को कुछ कहेंगे? ज़रूर कहेंगे, आप जो पहल कर रहे हैं, आप जिस हिसाब से आपसे मिल के मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, मैं आपको रिसेंट एक फ़ोटो भी दिखाता हूँ कि हमारा जुड़ाव जो नेत्रहीन विद्यालय से है वो देखिए, ये आप फोटो देख रहे हैं ना, ये देखिए मैं एक बहुत अच्छा अपने आप में वक्ता भी हूँ, ये वो लग रहा है। और देखिए और भी दिखा देता हूँ, देखिए ये हमारे
पथ मंत्री जो हैं ये हमारे स्कूल में आए थे, जिनके साथ मेरे वार्तालाप हो रहा है, और भी ऐसे कई मेरे साथ फोटोग्राफ जुड़े हुए हैं जो कि ये साबित करते हैं कि मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ मेरा जुड़ना है। और ये प्रभु की प्रेरणा है कि मेरे मन में हमेशा एक ही आकांक्षा रहती है, और ये अपने बच्चों को यही कह शिक्षा देता हूँ कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी फॉर द बिजनेस। जी, तो बिहारी जायका के सेगमेंट में हम मिल रहे थे डेजी स्वीट्स के ऑनर से। तो जैसा कि आप देख रहे थे, हम पहुँचे हैं मछुआ टोली के डेजी स्वीट्स में, जो 42 साल पुराना है। तो अब हम करते हैं इस खास वीडियो का अंत, और जैसा कि आप देख सकते हैं, मतलब चलिए तो एक बार हम इधर भी चलते हैं, देखते हैं। ओ, बाहर से भी हम थोड़ा सा आपको इनको दिखा दें। देख सकते हैं डेजी स्वीट्स का जो बाहर का नज़ारा भी देख सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पे लगातार 42 सालों के अनुभव के साथ इन्हें चलाया जा रहा है। और जो शुद्धता की बात हम करते हैं, अक्सर जो शुद्धता को लेकर जो पैमाना दिया जाता है, उस शुद्धता में अक्सर खासकर त्यौहार के इस मौसम में बहुत सारी समस्याएं आती है, शुद्धता को लेकर शिकायत आने लगती है। लेकिन एक खुशी होती है कि हमारे पटना शहर में ऐसे बहुत सारे प्रतिष्ठान हैं जहां शुद्धता को लेकर ही काम किया जाता है। तो मैं प्रियांक सौरभ, और आप देख रहे थे बिहारी न्यूज हमारे कैमरामैन संदीप कुमार के साथ। धन्यवाद। एक बार आप ये सब लीजिए, ये सब कर लीजिए। हां, बस बाहर आ जाइए। वैभव भैया हो गया, आज ये काला गुलाब सांगली और भी जी। हां, रसमलाई या छेना निकालिए हमारे। ये खासियत मिठाइयाँ जो आने वाले त्यौहारों के लिए बनाई गई हैं, और ये एकदम ताज़ा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, देखने से ही इसकी शुद्धता की पहचान की जा सकती है। और तो इस खास कार्यक्रम के लिए आपने हमारे साथ जुड़कर देखा, धन्यवाद। एक बार फिर से बिहारी न्यूज़ की तरफ से आप सभी उपभोक्ताओं को त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएँ।